नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जायका विद नवाबी गुड़ी में। और आज दोस्तों मैं आ रखी हूं गोमती नगर में, यहां के थोड़े से फूड टूर करने। तो मैं इस वक्त जहां पे खड़ी हूं वो है यहां का सहारा प्लाजा, जो कि है पत्रकारपुरम में। यहां पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे और मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। तो ऐसे गोमती नगर को कहा जाता है यहाँ हब ऑफ रेस्टो कैफ़े। आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छा खाना भी यहाँ पे मिलता है। तो चलिए आज देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या अच्छा खाने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ आ रखी हूँ एक कैफे में। मैंने सोचा शुरुआत करते किसी कैफे से, तो यहाँ पे आ रखी हूँ मैं माउंटेन कैफे। अच्छे लग रहे हैं, इनका प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे हैं इनके मोमोज। सो आपको मैं ये बता दूँ कि इनको मुझे हम लोगों को इन्होंने दो वैरायटी दी है, दैट इज पनीर और वेज मोमो। तो ये जो है ये है वेज मोमो एंड इनका जो ये आप इस लंबे शेप पे देख रहे हैं इनका पनीर मोमो। उसको भी ढक के रख देती हूँ कहीं ठंडे ना हो जाए, तब तक हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ वेज मोमो को टेस्ट। सो वेज मोमोज आप इनके देख सकते हैं पूरे वेजी से भरे हैं। और मैंने आप पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे ऐसे मोमोज काफ़ी पसंद है जिनके अंदर सारी सब्जी आपको खाने को मिलेगी। लेट्स ट्राई की कैसी है। कंजूसी कोई नहीं करी है, पनीर भी अच्छे से भरा है। तो मैं इनका टेस्ट बता देती हूँ कि वेज मोमो का टेस्ट कैसा है। तो वेज मोमोज का मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। स्टफिंग में इन्होंने आई थिंक न्यूट्रीला डाला है और कैबेज डाला है, कैरेट डाला है। तो सारी वेजिटेबल्स जो होती है मोमोज के अंदर वो डाली है और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं। तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, जैसे क्रंची फ्लेवर होता है। मैंने आपको बताया था मोमोज का कैसा फ्लेवर होना चाहिए। एंड इनकी जो चटनी है काफ़ी स्पाइसी है, तो इसके साथ बहुत ही धुआंधार लग रही है। तो इट्स वेरी टेस्टी। पनीर मोमोज दिखा देती हूँ। पनीर में देख सकते हैं आई थिंक इन्होंने पनीर डाली है, थोड़ी सी सब्जी डाली है और काली मिर्च वगैरह है। काफ़ी सिंपल है ये। हमारी दूसरी लोकेशन पर जिसका नाम है पराठास कैफ़े। देख सकते हैं आप, कैफ़े भी अब आप पराठे के नाम पे आने लगे हैं। और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है इनका कॉम्बो, जो कि मात्र 100 रुपये में, मतलब 100 रुपीज़ का आपको ये कॉम्बो मिल रहा है, जिसमें आई थिंक इनका एक कढ़ाई पनीर है जिन्होंने रायता दिया है और इनका ये प्याज का पराठा है। तो काफ़ी लजीज लग रहा है देखने में और साथ में दिया है इन्होंने अचार और बहुत ही टेस्टी लग रहा है दिखने में ये कॉम्बो। देखते हैं कि खाने के बाद कैसा लगता है ये कॉम्बो। तो ये जी इनका पराठा देख सकते हैं आप, कितना लजीज लग रहा है। आलू भी है इसमें, प्याज भी है इसमें और दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और अब हम ये तोड़कर इनका जो ये कढ़ाई पनीर है इसमें डालेंगे और टेस्टी लग रहा है। तो ये ग्रेवी है, मैं इसमें सोच रही हूँ पनीर है कि नहीं, तो देखते हैं इसमें पनीर निकलता है कि नहीं। अच्छा निकल गया मेरा ये पनीर, देख सकते हो। मैंने सोचा केवल इसमें कढ़ाई, इन्होंने हमें कढ़ाई पनीर का कढ़ाई का मसाला दे दिया, पनीर नहीं दिया, पर फाइनली पनीर निकल गया। तो
उनके पराठों की बात करूँ तो पराठे मुझे काफ़ी टेस्टी लगे, काफ़ी बहुत फ्रेश और मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं। एंड सब्जी भी इस पर बहुत अच्छे से भरी है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। जैसे घर पे बनाते हो ना, मतलब क्रंची क्रंची बाहर से पराठा होता था, थोड़ा सा क्रंची क्रंची साइड से होता है। स्टफिंग तो देख ही सकते हैं आप इसके अंदर, एंड बहुत ही पतला है। मुझे मोटे पराठे पसंद नहीं आते, जितने पतले पराठे आते हैं। और इसके साथ जो इन्होंने सब्जी दी है, इसका बहुत ही माइल्ड टेस्ट है। और पनीर के साथ देखिए, हाँ ये कॉम्बो मतलब पहली बार मैं खा रही हूँ पराठे के साथ, मतलब प्याज के परौठों के साथ कढ़ाई पनीर, और साथ में इन्होंने रायता भी दिया जो इसका फ्लेवर है। पराठों के साथ रायता तो आप जानते हैं कितना बढ़िया लगता है। टू गुड, मज़ा आ गया इस पराठे को खा के। तो आज की मैं लास्ट लोकेशन बैठी हूँ, मेरा पेट काफ़ी भर गया, मैंने दो ही आउटलेट खाया। और मैं यहाँ पर अगर दिन भर भी खाऊंगी ना तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं पेट तो मेरा भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। और लास्ट लोकेशन पे आ चुकी हूँ मैं, जिसका नाम है सिली चिकन, थोड़ा सा अलग नाम है, एशियन फास्ट फूड एंड कैफे है। और यहाँ पर मैंने इनका कॉम्बो ऑर्डर किया है, क्योंकि यहाँ के जो कॉम्बोज हैं मुझे आई थिंक उनका प्राइस और उनका जो क्वान्टिटी है बहुत अच्छी लग रही है। और देख सकते हैं मेरे सामने क्या रखा है, फ्राइड राइस एंड वेज मंचूरियन, जो कि मेरा फेवरेट है। और अब टेस्ट करके बताऊंगी मैं कि कैसा है, दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। काफी अच्छा टेस्ट है। सो इनका जो मंचूरियन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सारी इसमें ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा ये सॉल्टी है। बहुत लोग क्या होते हैं मंचूरियन को बहुत ही सॉल्टी कर देते हैं, लेकिन इनका जो है बहुत ही अच्छा बना है। एंड ये बॉल्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत लोग बहुत ड्राई कर देते हैं, पर ये थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लग रही है मुझे, मतलब सॉफ्ट है। भाई टूट तो नहीं रही, पर खा के मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि कैसी है, बहुत ही सॉफ्ट है, मैंने खा के देखा ये काफ़ी अच्छी है। और जगह मैंने देखा बहुत ही ट्राई कर लेते हैं और ये काफ़ी लेकिन सॉफ्ट है। सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे यही लगी कि बहुत जगह ट्राई करो, और सबसे मेन जो चीज़ होती है वो बॉल होता है मंचूरियन का, तो वो अच्छा नहीं तो आपकी पूरी वेज मंचूरियन जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है। एंड इनका फ्राइड राइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्वांटिटी तो अच्छी है ही, इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा लगा। इससे जो वेजिटेबल्स आ रही है उन्हें ओवरलोडेड नहीं किया है, और फ्राइड राइस में सबसे मेन यही होता है कि आपको वेजिटेबल्स नहीं राइस भी होना चाहिए, और बैलेंस अमाउंट ऑफ आपका जो होता है वेजिटेबल्स भी होना चाहिए। तो इसमें राइस ज़्यादा और सब्जियाँ कम है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। सॉरी दोस्तों मैं बताना भूल गई कि देखिए इनके कॉम्बो के साथ ये हमें छोटी सी बोतल स्प्राइट की मिली है, और इतना अच्छा खाने खाने के बाद कुछ ऐसा मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है, आपका मुँह मतलब रिफ्रेश हो जाता है। तो अब क्या बताऊँ मैं, अब मैं लेती हूँ मज़ा और फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों आज मैंने हमारे गोमती नगर के पत्रकारपुरम का जो सहारा प्लाजा है वहाँ के तीन आउटलेट को टेस्ट किया, और सारे आउटलेट्स बहुत ही टेस्टी खाना दे रहे हैं। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि यहाँ पे जो सारे फूड के आउटलेट्स हैं बहुत ही स्मॉल स्मॉल हैं, एंड फास्ट फूड के ज़्यादा आइटम्स हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी यहाँ पर आए, ट्राई करें फूड्स, आपको बहुत ही डिलीशियस फूड यहाँ पे खाने को मिलेंगे। ना केवल यहाँ पे आउटलेट्स बल्कि यहाँ के जो स्ट्रीट फूड है यहाँ पे वो भी काफ़ी मैंने देखा, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी है। आने वाले वीडियोस में मैं और भी यहाँ के आउटलेट्स कवर करूँगी और देखूँगी कि उसमें यहाँ पे और क्या क्या अच्छा चीज़ मिलता है। तो मैं अब आपसे लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे लाल बटन होगा उसे खचक से दबा दीजिएगा, और खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए मेरे वीडियोज़। बाय बाय।